माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो भैया कल एलजी की तरफ से एक नया हैंडसेट लॉन्च किया गया है जिसका मॉडल नंबर है Q92 और अब जाके एक और एलजी का नया हैंडसेट बेंचमार्किंग साइट Geekbench पर लिस्ट किया गया है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में और साथ साथ जानेंगे जो नया हैंडसेट लॉन्च किया गया है एलजी Q92 की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। मेरा नाम अनु, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो भैया LG ने पिछले हफ्ते इंटरनेशनल मार्केट में अपना लो बजट स्मार्टफोन LG K31 स्मार्टफोन पेश किया था। वहीं कल कंपनी ने एक और नया 5G स्मार्टफोन LG Q92 भी पेश कर दिया है। कंपनी की कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन लॉन्च कर ग्राहकों को अपनी ओर खींच सके। वहीं इन दिनों फोन्स के बाद ऐसा लग रहा है कि कंपनी अभी और भी कई फोन्स को पेश करने की योजना बना रही है। दरअसल बेंचमार्किंग साइट Geekbench पर एक नया फोन स्पॉट किया गया है। डिवाइस को LGELM F100N मॉडल नंबर के साथ Geekbench पर स्पॉट किया गया है। बेंचमार्किंग साइट पर हैंडसेट को सिंगल कोर में 601 और मल्टी कोर टेस्ट में 1843 अंक प्राप्त हुए हैं। लिस्टिंग से इस बात की जानकारी सामने आई है कि फोन ओक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर से लैस होगा जो कि 1.80 बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा। LGELM F100N को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G के साथ पेश किया जाएगा। वहीं Geekbench टेस्ट के अनुसार स्मार्टफोन में 8GB रैम और Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। LGELM F100N का कोड नेम विंग बताया जा रहा है। ये पारंपरिक के स्मार्टफोन डिजाइन की तुलना में बहुत अलग फॉर्म फैक्टर के साथ आ सकता है। कहा जा रहा है कि LG विंग में डुअल डिस्प्ले की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा फोन का प्राइमरी डिस्प्ले 6.8 इंच का होगा और ये 128GB स्टोरेज के साथ आ सकता है। जहां LG Q92 5G को लॉन्च कर दिया गया है तो फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 20:9 एस्पेक्ट रेशियो पर पेश किया गया है जो 23:40:1080 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली 6.67 इंच की फुल HD प्लस पंच होल डिस्प्ले सपोर्ट करता है। ये पंच होल स्क्रीन के ऊपरी और ठीक बीच में दिया गया है। डिस्प्ले के दोनों साइड जहां बेजल लेस है वहीं ऊपर और नीचे की ओर हल्का सा चीन पार्ट दिया गया है। कंपनी की ओर से एंड्रॉयड 10 पर पेश किया गया है जो LG के कस्टम वन UI के साथ काम करता है। प्रोसेसिंग के लिए इस फोन में 2.2 GHz क्लॉक स्पीड वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है जो 7nm तकनीक पर बने क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट पर रन करता है। इसी तरह ग्राफिक्स के लिए इस फोन में एड्रिनो 620 GPU मौजूद है। तो भैया अभी तक यही जानकारी सामने आई है। जैसे इस पर और ज्यादा जानकारी सामने आती है हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन पर हमें जरूर बताएं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा जरूर दबाएं ताकि आपको इसी तरह की मजेदार और इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, पेज को भी लाइक कर दें, फॉलो तो जरूर करें। अभी के लिए मुझको इजाजत, मिलते एक नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।